हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर अश्विनी शर्मा दिस साइड। मेरा ये चैनल डॉक्टर अश्विनी शर्मा के नाम से है और ये स्टूडेंट्स से रिलेटेड और जनरल अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड वीडियोस हम यहाँ पर लॉन्च करते रहते हैं। उसी सीरीज़ में अभी एक नया लॉन्चिंग मैं आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ कि वो हम करेंगे। जैसे स्टूडेंट को मोटिवेशन देना कि भाई किस टाइम पर कैसा उसका एटीट्यूड होना चाहिए, कैसा उसका बिहेवियर होना चाहिए। और जैसे मान लीजिए अभी छोटी क्लास में होता है तो उसका एक ड्रीम होता है कि ये करेगा वो करेगा, लेकिन जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाती है तो उसका ड्रीम चेंज होने लगता है, उसका एटीट्यूड परसेप्शन चेंज होने लगता है। और जस्ट सब्जेक्ट सिलेक्शन या मान लीजिए करियर सिलेक्शन के टाइम पर उसको काफ़ी सारी ब्रेक्स रहते हैं माइंड में कि भाई डिस्टरबेंस रहता है कि भाई क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, वो क्या करे जो उसके लिए बेटर रहेगा। और जब कई बार तो ऐसा होता है कि उसने डिसाइड कुछ किया होता है, लेकिन जब वो आगे अपने लाइफ में बढ़ता है, राइट, अपने ड्रीम को फॉलो करने का जो टाइम आता है जिसके लिए उसे अपने एफर्ट्स इनपुट करने चाहिए, उस टाइम पर वो अपने 100% एफर्ट्स इनपुट नहीं कर पाता। कोई भी रीज़न रहा हो, कोई भी डिस्ट्रैक्शन का रीज़न रहा हो, टेक्नोलॉजी रहा हो या बैड कंपनी रहा हो या कुछ भी रहा हो, लेकिन कहानी ये होती है कि वो अपने जो इनर वॉइस है उसको फॉलो नहीं कर पाता और फिर वो क्राउड के साथ मूव करने लगता है। उसके फ्रेंड्स जो कर रहे हैं वही करेगा, राइट। पहले सोचा था कि साहब इंजीनियर बनना है, बाद में उसको दिमाग आया कि साहब डॉक्टर बनना है, लेकिन बाद में उसने सोचा कि साहब लोग जो साथ के कलीग्स हैं वो कॉमर्स ले रहे हैं तो हमें CA बनना है। और चलो मान लो कर भी रहा है एफर्ट्स, CA कर रहा है वो और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है वो, राइट, मेडिकल की तैयारी कर रहा है वो, लेकिन किसी वजह से, किसी भी रीज़न से, अगर मान लीजिए वो बेस्ट एफर्ट्स भी उसने डाले लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे, क्या रीज़न रहा होगा, क्या सेटबैक रहा होगा, क्या ड्रॉबैक रहा होगा, तो ये चीज़ें हमें एनालाइज उसको करनी चाहिए अपने पार्ट पे। और वो कैसे करेगा, क्या चीज़ें उसको हेल्प करेंगी उसकी डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करने में और बेटर डिसीजन मेकिंग में, और अपने जो भी उसने करियर प्लान किया उसमें फर्म बने रहने के लिए, दैट इज़ रिलेटेड टू समथिंग काइंड ऑफ गाइडेंस आई थिंक, राइट। तो हाउ ही शुड स्टे मोटिवेटेड इन हिज कैरियर एंड वाइल डूइंग हिज प्रिपरेशन फॉर हिज कैरियर, डूइंग प्रिपरेशन फॉर हिज एनी काइंड ऑफ एग्जाम एंड जस्ट डूइंग एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिशन। Meanwhile, he's just coming, facing some out of some kind of problems. तो उनको कैसे फेस करें? एक्चुअल में क्या होता है, एक तो प्रॉब्लम्स होती हैं एक्सटर्नल और कुछ होती हैं इंटरनल्स, लेकिन एक्सटर्नल प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है जितनी इंटरनल होती हैं जो उसके माइंड में चल रही होती हैं। वो एक बार में एक सब्जेक्ट ही नहीं सोच रहा होता है या एक प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोच रहा होता है, वो तैयारी, केवल तैयारी के बारे में नहीं सोच रहा होता है। प्रॉब्लम यह है कि जिस टाइम पर वो तैयारी कर रहा होता है उसी टाइम पर उसके माइंड में कुछ और भी चल रहा होता है। तो ये जो ड्यूअल एटीट्यूड है, राइट, ये जो ड्यूअल एटीट्यूड है तो ये एक प्रॉब्लम का रीज़न होता है जिसकी वजह से वो अपना एक्सेल इनपुट नहीं कर पाता है, राइट। तो व्हाट वी विल ट्राई टू डू, ये जस्ट मैं एक सीरीज लॉन्च करने जा रहा हूँ जिसमें ऐसे सारे बच्चों को जो कोई भी चीज़ कर रहे हैं और उस टाइम पर वो अपना 100% इनपुट नहीं कर पा रहे ड्यू टू द रीज़न के उस टाइम पर उनके माइंड पर केवल ड्यूअल एटीट्यूड नहीं चल रहा है, ट्रिपल भी चल रहा है, फोर्थ भी चल रहा है, और भी कोई चीज़ें हैं वो घूम रही हैं, राइट। डर भी होता है कि पेरेंट का प्रेशर भी होता है और साथियों का प्रेशर, जस्ट सोसाइटी का प्रेशर भी होता है, कलीग्स का प्रेशर भी होता है, राइट, एक्सेल करने का। तो वो अपने आप को जस्ट डिमोरलाइज कर लेता है, वो सोचता है कि मेरे अंदर कुछ कमी है जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस सिचुएशन से ऊपर आके और क्या वो ऐसे स्टेप्स उठाए या अपने डेली रूटीन में शामिल करे जिससे उसको वो चेंजेस देखने को मिलें जो उस चीज़ से रिलेटेड हैं जो उसने वास्तव में डिज़ायर की थी। एक्चुअल में होता क्या है मैं आपको बताऊँ, जो आपको चाहिए और उसको पाने के लिए जो आपको करना है, उसको करने के लिए जो आपको जस्ट हार्ड वर्क की या स्मार्ट वर्क की जो हैबिट्स अपने अंदर इनकलकेट करनी है, अगर आप वो नहीं करेंगे या अपने आप को पुश करना है वो अगर आप नहीं करेंगे तो हुआ क्या, अनजाने में आप कुछ ना कुछ तो करेंगे और जो आप अनजाने में करेंगे उस चीज़ों को करने की आदत आपको पड़ती जाएगी। तो पॉइंट ये है कि आपको वो चीज़ें करने की आदत डालनी चाहिए जब अपने आप को पुश करके, जो आपका ड्रीम था, जो आपको अचीव करना था और उसके लिए जो रिलेटेड स्टेप्स थे, रिक्वायर्ड स्टेप्स थे,
वो आपको करने की आदत अपने अंदर डालनी चाहिए। और अगर आप नहीं करेंगे इस टाइम पर, जिस टाइम पर आपको ये जस्ट प्रिपरेशन का टाइम है, अपना एक्सेल परफॉर्मेंस देने का टाइम, उस टाइम पर अगर आप वो नहीं करेंगे तो अनजाने में वो सारी चीज़ें आप करते जाएंगे जो आपको नहीं करनी चाहिए। वो ऑटोमेटिकली उसकी आदत पड़ जाएगी, आपको बॉडी को आदत पड़ जाएगी, आपको माइंड को आदत पड़ जाएगी, और फाइनली आपने जो सोचा था वहाँ नहीं पहुँचेंगे, और लेकिन कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आपको नहीं पहुँचना था। तो अभी जो मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा, इसमें मैं सॉफ्ट स्किल्स डिस्कस करूंगा, मैं बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो आपको कुशन देंगे, गाइडेंस देंगे, सॉफ्ट स्किल्स देंगे, एक स्ट्रेट पैटर्न देंगे, एक मेंटल एटीट्यूड देंगे, पॉजिटिव एनर्जी देंगे, जिससे आप स्ट्रांगली अपने करियर से रिलेटेड जो एक आपका कमिटमेंट है उसको ड्रॉ करें और उसको फुलफिल करें। राइट, केवल ड्रॉ नहीं करना है, उस कमिटमेंट को जो भी आपने गोल डिसाइड किया है, जहाँ भी आपको पहुँचना है, उसको आपको बीट करना है। राइट, तो उससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, एक गाइडेंस मिलेगा। तो रिलेटेड टू दैट आई एम जस्ट गोइंग टू लॉन्च अ शॉर्ट टाइम वीडियो सीरीज। तो यू मस्ट वॉच फॉर जस्ट डिजायर्ड आउटकम्स ऑफ योर लाइफ, यू मस्ट वॉच एंड यू जस्ट शेयर दैट टू योर फ्रेंड्स, एंड फॉर दैट सीरीज ऑफ इवेंट्स यू डोंट मिस, कि आप वो मिस ना कर जाओ, आपको जस्ट मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, इट इज़ वेरी रिक्वायर्ड सो दैट यू गेट कंटिन्यूस लिंक जस्ट मैसेजेस ऑफ आर न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच, दिस इज डॉक्टर अश्विनी शर्मा साइनिंग आउट, अंटिल वी मीट अगेन, थैंक यू।